तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे पिछली वीडियो को छोड़ा गया था। पिछली वीडियो में हमने एक्सेंट ऑफ सैप देखा था और वहां पे हमने वाइटल थ्योरी और रूट प्रेशर थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से जाना। आज हम फिजिकल फोर्स थ्योरीज को देखेंगे। इसमें बहुत सारी थ्योरीज थी, लेकिन जो थ्योरी को पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया, जो थ्योरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, वो आपकी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या कोहेजन टेंशन थ्योरी है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगर अब तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख लीजिए, और आपका हमारी वीडियो में विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ना पसंद आने पे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन बिना रिस्पॉन्स किए ना जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही अच्छे कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं आज की थ्योरी की। तो देखिए, फिजिकल फोर्स थ्योरी के अनुसार या इस थ्योरी के अनुसार जो एक्सेंट ऑफ सैप की प्रोसेस है वो डिफरेंट टाइप के फिजिकल फोर्स के कारण होता है या उसकी वजह से होता है। इसमें कोई प्लांट की जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल भाग नहीं लेती है, ऐसा इस थ्योरी का कहना था। क्योंकि जब हम उसकी जड़ को काट के भी पानी में रख रहे थे तो भी तो एक्सेंट ऑफ सैप की प्रोसेस हो ही रही थी ना। पानी ऊपर की तरफ तो मूवमेंट कर ही रहा था, पानी का अपवर्ड मूवमेंट तो हो ही रहा था, इसी वजह से। अब हम इसकी पहली थ्योरी को देखते हैं जो इसके अंतर्गत पहली थ्योरी है और जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थ्योरी है। तो इस थ्योरी का नाम है कोहेजन थ्योरी या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, हिंदी में भी जान लीजिए सासंजन सिद्धांत तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। पुल मतलब खिंचाव, ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए, इस थ्योरी को डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में प्रपोज किया था, यानी कि 1894 में दिया था। और इस थ्योरी का जो सपोर्ट किया वो तीन लोगों ने किया, उनके नाम है रेनर, कर्टिस एंड क्लार्क। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ी मेरी वॉइस अगर डिसेंट ना आए, ठीक ना आए, तो उसकी वजह है कि मुझे जुखाम है। सो अगर कुछ ऐसा आए तो आप प्लीज़ आज चला लीजिएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, फिर हम वापस से सही हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस थ्योरी का जो सपोर्ट किया वो किसने किया, रेनर, कर्टिस और क्लार्क ने किया, जो कि एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थ्योरी है जो आपको बता दी गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ये कहना था कि जो प्लांट में वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है वो इन फॉलोइंग फैक्टर की वजह से होता है, या इन फॉलोइंग फैक्टर की हेल्प, मतलब ये फॉलोइंग फैक्टर उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। उनमें से ही पहला है आपका ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। देखिए, इस थ्योरी का, इस पर्सनल थ्योरी का क्या कहना है, तो ट्रांसपिरेशन के कारण प्लांट के, आपको पता ही है, ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट के एरियल पार्ट में वाटर की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लीव्स है वो हमेशा पानी को ट्रांसपिरेट करती रहती है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है। ये तो आपको ट्रांसपिरेशन की वजह से पता है ही। तो जिसकी वजह से अब वाटर की कमी हो गई, उसकी वजह से प्लांट के अंदर एक खिंचाव प्रोड्यूस होता है, एक टेंशन उत्पन्न होता है, जो ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहलाता है। और इसी की वजह से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, वाटर ऊपर की तरफ जाता है, उसमें एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, खींचता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा रीज़न। ये तो पहला हो गया कि इसकी वजह से पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन सिर्फ यही बस नहीं है, इसके अलावा भी हैं। तो अब हम वही दूसरा रीज़न देखते हैं, वो क्या है। तो उसका नाम है कोहेजन फोर्स, यानी कि ससंजन बल। तो अब इसे देखिए, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के अणु होते हैं, उनके बीच में कोहेजन फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इतनी सिंपली आपको लिखा गया है कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके अंदर कोहेजन फोर्स पाया जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोहेजन फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं, उनका जो ब्रेक, जो उनका सीरीज है, जो उनका पिलर है, वो ब्रेक नहीं होता है, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और
जल का एक कंटिन्यूस फ्लो जाइलम के अंदर बनाए रखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो पानी का कंडक्शन होता है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू होता है या जाइलम के थ्रू होता है, तो उस वजह से जल का कंटिन्यूस फ्लो जाइलम के अंदर बनाए रखते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन के खिंचाव से अटैच वाटर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना ट्रांसपिरेशन पुल, उसके खिंचाव से जुड़ा हुआ पानी का जो पिलर है वो ब्रेक नहीं होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि पानी जा रहा था, अब वो ट्रांसपिरेशन, जब वाटर की कमी हो जाती है प्लांट्स के अंदर तो वो पानी को खींच रहा होता है, तो जब खींच रहा होता है तो उसमें एक पिलर बन जाता है। पिलर में बस यही होता है कि अगर इनके अंदर कोहेजन फोर्स नहीं पाता, मतलब कि वाटर के अंदर अगर कोहेजन फोर्स प्रेजेंट नहीं होता तो जो इनका पिलर है वो ब्रेक डाउन हो जाता, और अगर ब्रेक डाउन हो जाता तो पानी का अपवर्ड मूवमेंट इस तरीके से नहीं होता। लेकिन इन्हीं कोहेजन फोर्स की वजह से, पानी में जो फोर्स पाया जाता है उसकी वजह से ये टूटता नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता है और ऊपर की तरफ पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता रहता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी जो आपको नोट्स में लिखा गया है वो बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, आप बहुत आसानी से उसे समझ सकते हैं। इसके अलावा भी एक है जो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, उसके माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो अगर आप वैसे भी समझना होगा कि किस तरीके से एच ओक से साथ एक बॉन्ड बनाया रहता है, क्योंकि आपको पता होगा 7 और 1 वो आपस में कंबाइन करके 8-8 का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे को खींचते हुए लेके जाते हैं, उसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। पर उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर ऐसे जानना है तो आप बोल दीजिएगा, वरना आपके समझने के लिए तो ये मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमें वो वहाँ पे ये दिखाना तो है नहीं कि ऐसे न ऐसे, आपको सिर्फ समझना है कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, सो आपके लिए ये प्रोसेस भी सही है। लेकिन इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जानना है तो आप बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन एक हिंट तो दे ही दे रहा हूँ कि हमें पता है कि 7 इसके पास होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, उसी बॉन्ड की वजह से इनके बीच में खिंचाव रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है तो खिंचाव रहता है। तो आपको बात अब समझ में आ गई होगी, खासकर केमिस्ट्री वालों को तो समझ में आ गई होगी। चलिए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो अब वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए यही 2 रीज़न नहीं है, अभी एक रीज़न और आएगा और अंतिम वाला रीज़न डाउटेबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंतिम वाले पे आते हैं, मतलब इसके लास्ट वाले पे आते हैं, तो इसका नाम है अधेशन फोर्स। माफ़ कीजिएगा, मुझे जुखाम है इस वजह से मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी क्या करूँ, प्रोसेस है, कैसे ख़त्म करूँ उसे। तो चलिए अब टॉपिक देखते हैं। तो अधेशन फोर्स, इसमें देखिए क्या कहना है। तो जाइलम की जो वेसल्स होती है, जो जाइलम की वाहनिकाएँ हैं तथा वाटर, मतलब जाइलम की वेसल्स और वाटर के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अब तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कोहेजन की वजह से पानी का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है जाइलम के थ्रू, वो तो समझ में आ गया, और ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी वो खींच रहा है क्योंकि प्लांट्स में पानी की कमी हो गई है। लेकिन एक डाउट ये भी आता है कि ये ज़मीन से पानी कैसे उस जाइलम के पास कैसे जाता होगा, रूट के थ्रू, आपको समझ में आता होगा यही रूट के थ्रू। लेकिन इनके बीच भी, जाइलम और वाटर के बीच भी अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि जो वेसल्स है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो अभी हमने इससे ऊपर क्या देखा था, वहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, वाटर वाटर के बीच में ही अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि जो वेसल्स है वो सेलुलोज की बनी होती है और वाटर, अब सेलुलोज और वाटर के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब ये क्या है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है जो वाटर को ऊपर की ओर खींचने में हेल्प करता है, यानी कि वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वही आपका अधेशन फोर्स हो जाएगा। तो इसी अधेशन फोर्स की वजह से पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है। अधेशन फोर्स करता क्या है, तो ये भी पानी को ऊपर भेजने में हेल्प कहीं ना कहीं तो कर ही रहा है, क्योंकि जाइलम और वाटर के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए जिम्मेवार होता
है। तो अब मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन इससे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि कोहेजन फोर्स में क्या हुआ था। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा था। अधेशन में क्या हुआ, इसमें दो अलग अलग या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। इसके अलावा भी इसमें कहीं कहीं या मुझे रूट प्रेशर थ्योरी भी बताया गया था, तो उसे भी देख लीजिए। क्यों रूट प्रेशर थ्योरी, क्यों ना, कहीं ना कहीं तो वो भी हेल्प करती ही है, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करके जाइलम वेसल तक पहुंचाती होगी। इस वजह से इसको रूट प्रेशर थ्योरी में लिखवा नहीं रहा आपको, लेकिन हाँ बताया जाता है कि ये भी अपने अपवर्ड मूवमेंट में पानी के ऊपर जाने में ये भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये टॉपिक आपका ख़त्म। अगर आपने अपने सिलेबस को देखा होगा तो आपको उसमें पता चला होगा कि इसमें आपके एक चीज़ और है जिसका नाम है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्लांट को बहुत कम ज़रूरत भी होती है, तो मैं उसे भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ इसी वीडियो में। छोटी सी टॉपिक है, बहुत आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें और भी इंग्लिश के वर्ड ऐड हो सकते थे, और भी थोड़ी हिंदी कम हो सकती थी, या किसी को ये डाउट होता है कि हमें हर इंग्लिश की हिंदी भी चाहिए, तो आप बोल दीजिएगा। वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर देने की, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है आपका एसेंशियल एलिमेंट। ठीक, आप क्वेश्चन ही सुन लीजिए, क्वेश्चन आप जान लेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको डाउट भी नहीं होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं उल्टा सीधा, ये तो हमारी सीरीज़ में है ही नहीं, लेकिन है, आप देखिएगा आपके सिलेबस में है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्लांट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जिनकी कमी होने से प्लांट के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे सही सही अक्षरों में लिखा होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो अब हम उसे देखते हैं। तो एसेंशियल मतलब आवश्यक एलिमेंट। तो देखिए, चलिए आइए देखिए, प्लांट्स को सम मिनरल्स एंड सॉल्ट्स की नीड होती है, आवश्यकता होती है। अब जैसा कि आपको पता है कि प्लांट को ही नहीं, हर किसी को आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ होता है, बस वैसे ही प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है जी। तो देखिए, जो कि उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके बिना तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, और ऐसे ही एलिमेंट्स को आर्नन ने आवश्यक तत्व कहा, एसेंशियल एलिमेंट नाम दिया, और इसी एसेंशियल एलिमेंट को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी कि जिसको प्लांट को अधिक मात्रा में, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, जिसकी प्लांट को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, और माइक्रो यानी कि जिस एलिमेंट की प्लांट को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो देख लीजिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसकी प्लांट के अंदर हैवी क्वांटिटी में नीड होती है। अब एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, आयरन, ईटीसी। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट के अंदर लो क्वांटिटी में नीड होती है, एग्जाम्पल के तौर पर जिंक, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम, कार्बन, निकिल, ये सब। आप ETC लगा लीजिएगा, और भी कुछ होंगे तो उसी में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से मोस्टली 16 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत होती है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 और 2, 2, 4, 2, 6, मतलब कुल 16-17 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है। बाकी आप इस पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं अब इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर इनकी प्लांट्स के अंदर डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो इनमें क्या
प्रॉब्लम्स आ जाती है प्लांट में क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें है, कुछ उसमें बताने लायक है नहीं, तो मैं आपको वो लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को देखेंगे। और बस जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, ऐसे खाली हाथ तो जाइएगा नहीं। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।